आज हम बात करने वाले हैं आपके इस नवे अध्याय के आखिरी कुछ भागों के बारे में, जो है हमने इसके बारे में पढ़ा था आवास और अनुकूलन संजीवों का, जो संजीव विशेषताएं और आवास में। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि आवास स्थल कैसे होते हैं, जमीनी आवास स्थल जैसे मरुस्थल हो गया आपके, पर्वत हो गए, और उसके बाद घास स्थल हो गए, और उसके अलावा कैसे हमने जलीय जैसे झील पे कैसे जानवर रहते हैं, तालाब का, नदियों का, समुद्रों का हमने सारा पता किया था। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे आसपास के जीव हैं, संजीव हैं, उनमें क्या क्या विशेषताएं होती है, तो हम कैसे पहचान करें कोई वस्तु कैसे संजीव है या कोई वस्तु निर्जीव है। तो देखिए, अब सबसे पहला आता है भोजन। अब आपको भोजन की आवश्यकता पड़ती है, देखिए आप संजीव हैं ये तो हमें पता है। श्वसन जो होता है, श्वसन अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। अब जो संजीव वस्तुएं होती हैं उन्हें क्या होती है, उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, जो चीजें भोजन नहीं खाती, ठीक है। अब कुछ ऐसा होता है, ये सारी जो है, ये सारी जो जो विशेषताएं हैं वो उनमें से कम ज्यादातर सारे के सारे ही लगभग आपको क्या पाए जाएंगी, सारी की सारी विशेषताएं जो संजीवों में मिलेंगी। लेकिन कुछ अब ऐसा बोलेंगे आपके कुछ को, ये ऊर्जा, भोजन का मतलब क्या होता है, ऊर्जा, ऊर्जा। अब ऊर्जा तो गाड़ियों को भी चाहिए है, गाड़ियों में पेट्रोल डलते हैं तो वो चलती हैं, वो ऊर्जा मिलती है उन्हें, बट उनमें ये बाकी सारी विशेषताएं नहीं होती। इस तरीके से जो भोजन होता है वो संजीवों के लिए बहुत जरूरी होता है, भोजन एक जो संजीवों के लिए जरूरी वस्तु है। अब उसके अलावा भोजन से क्या होता है, इनको एनर्जी मिलती है संजीवों को। अब बात करते हैं हम वृद्धि के बारे में। अब हमने देखा है पेड़ पौधे क्या करते हैं, पेड़ पौधे वृद्धि करते हैं। अब इसी प्रकार वृद्धि करना हमारा भी एक गुण है। आप पहले छोटे बच्चे थे, अब थोड़े बड़े हुए, उसके बाद थोड़े और बड़े हो जाएंगे, फिर बूढ़े भी हो जाएंगे, तो इस प्रकार से ये क्या हुआ, वृद्धि करना भी संजीवों का एक गुण हो गया। अब उसके बाद आपका आता है श्वसन, मतलब सांस लेना। अब श्वसन जो आपने सुना होगा, हम हैं, हम कैसे सांस लेते हैं, हम जो है ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है, और हम बाहर क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमारी क्या हो गई, श्वसन प्रक्रिया हो गई। अब इसी प्रकार पेड़ पौधे कैसे श्वसन करते हैं, कैसे सांस लेते हैं, पेड़ पौधे क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन हमें वापस वातावरण में छोड़ते हैं, या बोलिए हमें देते हैं। इसी प्रकार से पेड़ पौधों का और हमारा क्या चलता है, सांस लेने का काम चलता रहता है। तो श्वसन भी एक क्या हुई, विशेषता हुई संजीवों की। अब उसके बाद हम बात करते हैं उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। अब देखिए, जैसे आप मैंने क्या किया, मैंने आपको एक स्विच चुभो दी, तो आप क्या करोगे, आप जैसे मैंने हाथ को स्विच, हाथ को पीछे लेके जाओगे। अगर कहीं पर आप कहीं पर कोई गर्म स्थान है, जैसे आप आजकल गर्मी है, अगर बाहर जाओगे आप किसी लोहे की चीज को हाथ लगाओगे, तो आप ऐसे हाथ लगा आपने ऐसे करोगे, आप क्या होगा, वो आप क्या होगा, वो होगा आपकी अनुक्रिया। गरम लोहे को आपने हाथ लगाया तो एकदम से आपने हाथ पीछे कर लिया। इसी प्रकार से कोई आपको बुलाता है, पीछे से आवाज देता है कि भाई, किसी को बोलता है, संबोधन करता है, तो आप पीछे मुड़ के देखते हो, वो हो गई आपकी अनुक्रिया। तो उद्दीपन होता है जो वातावरण में परिवर्तन होते हैं, जैसे कि ये लोहे का गर्म, हमने लोहे का गर्म हुआ, किसी ने हमें, ये सारे परिवर्तन है। अब ये परिवर्तन जो है वो है उद्दीपन। अब उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया, अब उद्दीपन है, इनके प्रति क्या किया हमने, अनुक्रिया किया। अब इस उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया भी क्या है, एक संजीवों की विशेषता है। तो सारे के सारे संजीव क्या करेंगे, उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करेंगे। जैसे आपने फॉर एग्जांपल, अब आप पूछेंगे पेड़ पौधों में कैसे होता है ये, आपने किसी पौधे को, छुई मुई का पौधा का नाम आपने सुना होगा, आप छुई मुई के पौधे को क्या कीजिए, आप वो खिला हुआ है, आप उसको हाथ लगा देंगे, वो क्या हुआ, एक उद्दीपन हुआ, परिवर्तन हुआ। अब उसके एवज में अब क्या करेगा, आपका जो छुई मुई का पौधा है वो मुरझा जाएगा, उसने क्या किया, फिर उसने की अनुक्रिया। तो इस प्रकार तो पेड़ पौधे भी यही करते हैं, आप किसी पेड़ पौधे को बाहर से उठा करके, सन के लाइट से उठा करके घर के अंदर रखेंगे तो वो क्या करेगा, वो मुरझा जाएगा। तो वो क्या हुआ, उस परिवर्तन, उस उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया हुई। तो इस प्रकार सारे के सारे संजीव क्या करते हैं, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। अब जो उसके बाद है आपका उत्सर्जन, उत्सर्जन मतलब आपका जो आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद जो चीजें आपको वेस्टेज लगती हैं उन्हें आप मल के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, उसे बोलते हैं उत्सर्जन। तो सभी संजीव, आपको पता है हम पेड़ पौधे, सॉरी गायें वगैरह, सब कुछ जितने भी आपके जीव संजीव होते हैं वो क्या करते हैं, वो उत्सर्जन करते हैं। इसी प्रकार आपके पेड़ पौधे भी उत्सर्जन करते हैं, वो श्राव करते हैं उन पदार्थों का जो क्या होते हैं, जो उन्हें जरूरी नहीं होते, उन्हें वो
बाहर निकाल देते हैं। तो इस प्रकार से पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, इस बात को याद रहेगा, पेड़ पौधे भी उत्सर्जन करते हैं, वो उनको एक लाइक तरल पदार्थ की तरह है बाहर निकाल देते हैं अपने जो है तने के माध्यम से, पत्तियों के माध्यम से, जिस भी तरीके से, अगर जिस चीज की उन्हें जरूरत नहीं होती है। और उसके अलावा जो एक चौथा गुण है वो प्रजनन का, प्रजनन होता है अपने ही जैसी एक, आप जैसे आप हो, आपकी जैसी एक संतान उत्पन्न करना, अपने ही तरीके की संतान उत्पन्न करना, उसे हम बोलते हैं प्रजनन। आप प्रजनन आपने देखा है, प्रजनन कितने तरीकों से होता है, एक जो कुछ ऐसे जंतु होते हैं, कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जैसे कि हम हो गए, और उसके बाद में कुछ जंतु जैसे आपकी गायें हो गई, भैंस वगैरह हो गई, ये क्या करते हैं, ये सीधे बच्चे को जन्म देती हैं, तो उसको हम बोलते हैं मतलब सीधा शिशु को जन्म देती हैं, एक इस तरीके से हो गया आपका प्रजनन। और दूसरा होता है अंडा, जब कोई पक्षी होते हैं छोटे मोटे, और वो क्या देते हैं, वो अंडा देते हैं, तो पक्षी अंडा देते हैं, वो भी एक प्रजनन का प्रकार है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें पेड़ पौधों के बारे में, तो पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। वो कैसे, जैसे पेड़ बड़ा हुआ, उसने क्या किया, उसने बीज दिया, बीज से हमने क्या किया, एक नया पौधा अंकुरित कर लिया, नया पौधा पैदा कर लिया, तो उसका तो जो उस पौधे का था उसका तो वंश आगे बढ़ रहा है, उसकी एक तरीके से वो क्या थी, एक संतान है उसकी, तो वो भी क्या हुआ, वो भी प्रजनन करते हैं। गति के बारे में बात कर लेते हैं, गति जो होती है आपको पता है, सारे के सारे जो पशु पक्षी और जीव जंतु होते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, गति करते हैं। लेकिन पेड़ पौधों का होता है कि पेड़ पौधे जमीन जकड़ के रखते हैं उन्हें, अब वो कहीं जाने नहीं देती, इसलिए पेड़ पौधे क्या है, बस पेड़ पौधे गति नहीं कर पाते। लेकिन पेड़ पौधों में जो हमने देखा कि ये सारे के सारे गुण में होते हैं पौधों में, सिर्फ ये गति को छोड़ करके, गति का गुण किसमें होता है, बाकी पौधों को छोड़ करके बाकी सब संजीवों में एक ये गति का गुण है जो पौधों में होता है, पौधों में नहीं होता और बाकी सब संजीवों में होता है। तो अब आपने क्या देखा कि ये सारे के सारे, इन गुणों के बारे में आपने देखा, ये सारे के सारे गुण किसमें पाए जाते हैं, संजीवों में पाए जाते हैं। तो इनको अपनी कॉपी पे लिखिए अच्छे से, इन सब चीजों को याद कीजिए कि ये गुण होते कैसे हैं, ये विशेषताएं क्या हैं, और इनमें से कौन कौन सी विशेषताएं किन किन संजीवों में पाई जाती है। अब इसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं हमारे जीवन के बारे में, अगर हम बात करें, आप जैसे जैसे बड़ी कक्षाओं में पढ़ोगे तो आपको ज्यादा फिलोसफी चीजों के बारे में पता चलेगी, ज्यादा आपके खुद के विचार होंगे कि जीवन क्या है। अब अगर आप किसी गेहूं के बर्तन, गेहूं के कंटेनर या फिर कट्टे में आप हाथ डालोगे और हाथ को थोड़ी देर रखोगे, बाहर निकालोगे, तो वो क्या होगा, आपको गर्मी महसूस होगी। अब होता क्या है, जो उसके अंदर बीज होते हैं वो क्या करते हैं, वो सांस लेते हैं, जो गेहूं के दाने होते हैं वो क्या करते हैं, वो सांस लेते हैं। तो देखिए हमने क्या पाया अब इस एग्जाम्पल से कि गेहूं के जो दाने हैं वो जो पेड़ पौधों से टूटने के बाद फिर भी उनमें क्या होते हैं, श्वसन की क्रिया चलती रहती है। इस प्रकार से ये एक ऐसी क्रिया है जो श्वसन की क्रिया बंद हो जाती है जब, तो क्या हो जाता है, हमारी मृत्यु हो जाती है। तो हमने देखा कि ये सारे के सारे जो अभिक्रिया, इसके बाद में संजीवों का क्या होता है, संजीवों का मर जाना उनकी आखिरी स्टेज होती है, बाकी सारी जो चीजें हैं वो ऐसे के ऐसे ही चलती रहती है। लेकिन संजीव क्या करते हैं, एक उम्र आती है, एक उम्र के बाद वो क्या करते हैं, जब उनके अंदर ये प्रक्रियाएं बंद हो जाती हैं, ये प्रक्रियाएं सारी की सारी बंद हो जाती हैं, सांस लेने की प्रक्रिया वगैरह, तब उनकी क्या हो जाती है, तब उनकी मृत्यु हो जाती है। और यही क्या है, यही जीवन का सार है कि जन्म लेते हैं वो, और उसके बाद ये सारी अभिक्रियाएं होती हैं, और उसके बाद में वो मर जाते हैं। तो अपने आप को मतलब इन चीजों को सीखिए और अच्छे से पढ़ते इस पाठ को पढ़िए, उसके बाद अगली कक्षाओं में आप और भी अच्छे तरीके से जानकारियां प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और ऐसे ही पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।